सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल VGRSS ब्लॉग। सो गाइस, अभी ना जस्ट इंडिया गेट घूम के आए हैं और अभी ना हमने नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अब जा रहे हैं हम मुगल गार्डन बोले तो उसका नाम बदल के ना अमृत उद्यान रख दिया है, वहां जा रहे हैं। अपना रिधान तो बच्चा बन रखा है, बैलून के साथ खेलने लग रहा है अपना रिधान। सृष्टि चिल्लाने लग रही है, सृष्टि कह रही है ना मेरे बैलून है, अभी चिल्ला रही थी देखो चिल्लाने लगी, कह रही है मत खेल मेरे बैलून है। सृष्टि ना ऐसी करती रहती है, अपनी चीज ना किसी को नहीं देती और बड़ी चालाकी से ना दूसरे की चीज ले लेती है सृष्टि। गाइस मंकी है देखो, ये रहा गाइस, यहाँ देखो कितने सारे बंदर है। एक बंदर तो जुए देखने लग रहा था अपने बच्चे के। रिद्धु कैसा लग रहा है आके? अमृत उद्यान लग गई, चोट लग गई। पापा इतनी बड़ी कील निकाल रखी है, ये यहाँ पे लग गई रिधान के पैर में। अभी ना रिधान के ना पैर में ना कील घुस गई, ये रे कील टेढ़ी कर दी है मैंने। सो फाइनली ना अमृत उद्यान में आ गए। अब देखेंगे एक से एक फ्लावर है यहाँ पे, काफी वैरायटी के फ्लावर्स हैं यहाँ पे। रिधान जल्दी पहन ले शूज। चाचा मुझे ये देखना छेद कैसे हुआ। ये रहा गाइस छेद, देख रहे हो पूरा कील ना अंदर ही घुस गया था। सो गाइस ये ना पूरा मैप दे रखा है घूमने का, तो आप इसको देख के घूम सकते हो। सो गाइस यहाँ पे ना राष्ट्रपति भवन म्यूजियम भी है, आप इसको विजिट कर सकते हो। झूले भी है यहाँ पे बच्चों के लिए। झूलेगा झूले स्लाइड वाला। अभी इसका मूड खराब है, नींद आ गई थी इसको, सो गया था, इसको उठाया है गाड़ी में, सो गया था। सो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे झूला झूलने लग रहे हैं, मतलब पूरी स्टंटबाजी करने लग रहे हैं इधर तो बच्चे। मेन गार्डन में एंट्री ले ली और एंट्री लेते ना यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर दिखाई दे रहे हैं व्हाइट व्हाइट, ये बोर्ड लगा हुआ है। प्रधान देख रहे हो कैसे भागता हुआ आ रहा है पूरा ही मुगल गार्डन में, अमृत उद्यान में ये देखो आ गया, पूरे पूरे मजे लेने लग रहा है। अच्छी लग रही है ना ये लैंप है ना, किसी की कैप पड़ी हुई है यहाँ पे। गाइस फाउंटेन देखो कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो ये देखो म्यूजिक भी कितना अच्छा चलने लग रहा है यहाँ पे, दिल को सुकून दे रहा है म्यूजिक भी। कहने का मतलब यह ना मजा आ रहा है यहाँ पे पूरा पूरा, काफी अच्छा लग रहा है इन फाउंटेन्स को देख के। वाटर फाउंटेन्स है गाइस ये। तो अभी ना मेन सेक्शन में आ गया यहाँ पे, यहाँ पे असली खेल। तो भीड़ देखो सामने अपना राष्ट्रपति भवन है। गाइस मोर जाने लग रहा है यहाँ, ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, जूम करके दिखाता हूँ। पेड़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ के, ये देखो कितना प्यारा छोटा सा फाउंटेन है, कितना प्यारा लग रहा है ना, गोल शेप में वाटर आ रहा है इसका, हवा चलते ही बिखर गया पूरा पानी। पानी क्या अंदर तो? ये रहा अपना रिधान, वो रहे पीछे दो दो फाउंटेन छोटे छोटे, ये देखो कितना प्यारा गार्डन लग रहा है यहाँ पे। ये देखो गाइस कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं देखने में। गाइस ये रहा इसका नाम, ये बार कोड है, बाकी इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए ना तो स्कैन करके पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। ये देखो कितना प्यारा पेड़, और राष्ट्रपति भवन के बीच में देखो कितने प्यारे लग रहे हैं पेड़। रिधान ये वाला पेड़ देख कितना अच्छा लग रहा है ना, डंडे जैसा, रिधान को पिटाई करने जैसा। साइड व्यू देखो, साइड व्यू रिधान इसे पिटाई करें तुम्हारी। भाभी कैसा लग रहा है? हाँ, बढ़िया, रिधान की पिटाई करने लायक के लिए ठीक है ये। मेरे को नहीं लग रहा रिधान की इससे पिटाई हो पाएगी। अरे रिधान को ही उठाएंगे है भाई, रिधान इससे हो जाएगी तेरी पिटाई, रिधान कह रहा हो जाएगी। रश बहुत है गाइस यहाँ पे, ये देखो रोज भी यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं रोज। फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है हमारी भाभी का। पीछे फाउंटेन देखो यार, मेरी नजरें तो बार बार फाउंटेन पे जा रही हैं, छोटे हैं लेकिन प्यारे बहुत हैं। सो यहाँ पे अपना मिक्स है सारे फ्लावर्स, काफी वैरायटी के हैं यहाँ पे। ये देखो गाइस ये अभी मेरे को लग रहा है अभी लगाए हैं ये, और ये है इनका नाम। अपना सारांश और सृष्टि भी ना पूरे पूरे मूड में आ गए अब तो, ये देखो विक्ट्री का साइन दिखा रहा है गाइस वहाँ पे ना, वो मतलब फूलों से ना अपनी चित्रकारी दिखा रखी है। आ जाओ देखो यहाँ पे देख रहे हो कारपेट बना रखा है फ्लावर्स से। विरान गेंदे के फूल ज्यादा दिखाई दे रहे इसमें ना। सरू बाहर आ जा, भीड़ भी देखते रहो आप साथ में, और पेड़ भी देखते रहो क्या शेप में काट रखे हैं। ये देखो गाइस बैंगनी कलर के फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, काफी सारे हैं यहाँ पे, पूरा ही सेक्शन है फ्लावर का, पूरा सेक्शन यहाँ पे दे रखा है मेन मेरे को लग रहा है। आप क्या कहना चाहते हो रिधान? जो ये मुगल गार्डन है ना, यहाँ पे ना सारी 20 फ्लावर है, मतलब इंडिया से बाहर पूरी वर्ल्ड में सारे फ्लावर, पूरे वर्ल्ड के यहाँ पे फ्लावर है। बात तो सही बोली है रिधान ने, एक नंबर की बात बोली है। ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। सर्रू बाहर आ जा जल्दी, अंदर मत जा बार बार। ये देखो पर्पल कलर के फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये रहा नाम, सामने देख रहे हो एक और फाउंटेन आ गया प्यारा सा। ये देखो यार छोटा सा पिंक कलर का ना कितना प्यारा लग रहा है फ्लावर। हाँ अपना सारांश कह रहा है ना, और यहाँ भी है।
ओए होए होए रिधान देख रहा है कितना प्यारा लग रहा है। किसी के शूज रह गए यहाँ पे बच्चे के, ये देखो गमले में उगा रखा है, प्यारा लग रहा है ये भी। अबे रिधान रहन दे, ओए 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 मेंटल, तू बेटा पिल के मानेगा, दिख गया मेरे को। इतनी हरियाली में इसको क्या हो गया, ये क्यों जड़ रखा है यहाँ पे। एक लैंप बना रखा है मिट्टी का, इसका बल्ब गिर रखा है यहाँ नीचे। अपने सामने देख रहे हो कैक्टस कितना प्यारा लग रहा है ना। एक बार भीड़ देखो और फ्लावर्स भी देखो, ये असली खेल तो। यहाँ भी देख लो, इधर भी देख लो, और भीड़ एक बार और देख लो। ये देखो गाइस यहाँ पे भी रोज है। सो ये अपना रोज आइसबर्ग, यहाँ पे ना रोज की वैरायटी काफी सारी है। एक ये फ्लावर देख रहे हो, ये पूरा गोभी की शेप दिखाई दे रही है इसकी। अपनी भाभी को देखो, अपनी भाभी ना टच करके देख रही है एक बार। ले चलो घर पे गोभी के बरांडे के लाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ये गोभी नहीं है, फ्लावर है। सामने देखो दीवार पे है ना, उधर भी देखो कितना प्यारा सजा रखा है ना फ्लावर से। गाइस देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है सामने। भाई गेंदे के फूल देख लो, इज्जत देख रहे हो कितनी दे रखी है इनको, जितनी मैं रिधान को देता हूँ, है ना रिधान। अपने सामने देख रहे हो संतरे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मेरे को तो छोटे छोटे लग रहे हैं बिल्कुल। अपने सामने देख रहे हो पर्पल गोभी, ये है इसका नाम। अपने सामने फिर से आ गया ससुराल गेंदा फूल, इज्जत पूरी पूरी मिल रखी है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को लग रहा है अभी ना उगाए हैं सिर्फ फ्लावर, ये रहा नाम। संतरे के पेड़ काफी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे, पता नहीं क्या संतरे हैं क्या ये। सरू आजा जल्दी जल्दी फटाफट, पूरी पूरी जिद करने लग रहा है गोदी की। रिधान देख कितना अच्छा लग रहा है ना ये वाला फ्लावर। गॉडजिला के पापा जी, यहाँ पे देख रहे हो बेल टाइप फ्लावर्स लटका रखे हैं, बेल है फ्लावर्स की। ओए होए होए रश देखो रश, मतलब इतने सारे प्रेमी है फ्लावर्स के भी, हमें तो आज पता चला है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यार इसे कहते हैं जन्नत, मतलब हर जगह ना वैरायटी है। भाभी घूम लिए अमृत उद्यान, बिल्कुल कैसा लगा? बढ़िया, बहुत मजा आया। मतलब फ्लावर्स की स्मेल कितनी अच्छी लग रही थी ना, वहाँ पे मिक्स मिक्स आ रही थी सारे फ्लावर्स की, है ना। और अब सरू तेरे को कैसा लगा? अपने सरास को भी खूब मजा आ गया भाई, मतलब आज तो दो दो जगह घूम लिए, इंडिया गेट भी घूम लिए, अमृत उद्यान भी घूम लिए। पेड़ नंबर 46 बहुत ओल्ड लग रहा है, मंकीज जाने लग रहे हैं यहाँ पे तो। 33 तो मंकीज तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे, रास्ते में भी काफी देखने को मिले, यहाँ पे भी काफी देखने को मिल गया मंकीज। भाई आए थे ना, पार्किंग नहीं मिल रही थी अपने को बिल्कुल भी, अब पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोठियां बनी हुई है यहाँ पे, अपन ने तो यहीं खड़ी कर दी थी अपनी गाड़ी। अगर आप लोगों को ना यहाँ पे पार्किंग ना मिले ना, ये कोठियां बनी हुई है यहाँ पे, आप पार्किंग लगा देना, यहाँ के ना गार्ड ना लगाने देते हैं, थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करोगे ना तो लगाने देंगे। ये देख रहे हो आप, वो पूरा अमृत उद्यान है, वहां से अभी हम एग्जिट होके आए हैं, ये देखो आने लग रही है ना गाड़ी, ये देखो। अपना भाई ना जल्दबाजी में ना शीशा ही खुला छोड़ गया था। सो गाइस फाइनली ना गाड़ी में बैठ चुके हैं, अमृत उद्यान भी घूम लिए हैं। अपने सरांश से एक बार और पूछ लेते हैं, सरांश कैसा लगा? रिधान तो खाना खाने लग रहा है, कड़ी चावल खाने लग रहा है, घर से खाना लेके आए थे ना हम तो वही खाने लग रहा है कड़ी चावल। अपनी सृष्टि क्या करने लग रही है, वो तो बाहर देखने लग रही है रोड पे। सरांश तो ना सो गया है, फाइनली अपना घर आ चुके हैं। बाकी आज हम गए थे इंडिया गेट, उसके बाद हम गए अमृत उद्यान, बोले तो मुगल गार्डन, जहाँ पे मतलब वहाँ पे ना काफी टाइप के हमें ना फ्लावर्स देखने को मिले थे, वर्ल्ड वाइल्ड फ्लावर्स थे वहाँ पे, काफी सारे फ्लावर्स थे, और वहाँ का जो माहौल था ना वो काफी अच्छा था, मतलब हर जगह ना एक अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। और गाइस भीड़ बहुत थी, मेरे को तो पता ही नहीं था कि लोग ना इतने फ्लावर्स के दीवाने हैं। सो बाकी गाइस अब ना इस ब्लॉग का ना यही एंड कर रहे हैं, और मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।